3S आपने कल भी बहुत प्यार दिया था, बहुत सारी काफ़ी भीड़ थी और आज भी लोग बहुत सारे यहाँ आने वाले हैं, हम चाहते हैं पूरा कैप्चर करें और देखें भीड़ सबसे अंदर दिखाते हैं। एंट्री द्वार यहाँ होंगे तो फिर आज फिर यहाँ पर भीड़ सी नजर आ रही है, द्वारा आज भी क्राउड है पूरा, सभी लोग पहुँच चुके हैं मूवी से पहले यहाँ पर एक अलग ही। तो आज ही पूरी बाहर पूरा हाउसफुल दिख रहा है, यहाँ पर सभी लोग यहाँ खड़े हैं और संस्कार मूवी के लिए यहाँ सभी लोग पहुँचे हुए हैं, दिखते हैं इस प्रकार से उपस्थित हैं यहाँ पर सभी लोग। अभी जो है मूवी थोड़ी देर में स्टार्ट होगी तो वैसे लोगों की एंट्री होगी, क्योंकि अभी एंट्री नहीं हो रही है क्योंकि टाइम का जो है 3:45 का टाइम है। तो धीरे धीरे करके आए हैं, अच्छा लोगों से पूछते हैं कैसा इतना उत्साह के अंदर जगह पड़ा है, कैसा लग रहा है। नमस्कार जी, आज कौन सी मूवी दिख रहा है यहाँ पर आप? संस्कार मूवी। तो अभी टाइम नहीं मिला, अंदर एंट्री नहीं हो पा रही है? तो अभी 3:45 का टाइम है, ठीक है अभी हो जाएगा, जैसे अभी एक मूवी चल रही है उसके बाद होगी। तो कैसी होने वाली मूवी, आपको कुछ एक्सपीरियंस का या देखिए नहीं देखी से पहले? अभी नहीं देखी। तो पहली बार देखने वाले हो तो एक्सपीरियंस बढ़िया होने वाला है संस्कार मूवी का, ठीक है थैंक यू सो मच। आप कहाँ से आए वैसे? मंडावली से। चलिए मंडावली वाले क्षेत्रवासी यहाँ पर आए, कल विनोद करके थे, आज मंडावली गए, देखते किस प्रकार से होने वाली है। दीदी आप भी पहली बार आए यहाँ पर, तो कैसे होने वाली है, आपको कैसा एक्सपीरियंस है, मतलब सुन के सुनाया आपने किसे या कैसे किया? मतलब फर्स्ट टाइम आयो, फर्स्ट टाइम का एक्सपीरियंस बढ़िया होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं फिर कैसी होती है मूवी, ठीक है थैंक यू सो मच। तो अभी और भी लोग पहुंचे हैं, तो नमस्कार जी, आप लोग भी संस्कार मूवी देख रहे हैं? हाँ जी। तो कैसे होने वाला आज का आपका एक्सपीरियंस, कैसा होने वाला है? अच्छा निकलेगा, है अच्छा होने वाला है। हाँ। तो सभी लोग आप आज देख रहे हैं? हाँ, पहली बार देखने आए। अच्छा कहाँ कहाँ से आए हैं बताइए? विनोद नगर से। आप दीदी? वेस्ट विनोद नगर। आपका शुभ नाम ले सकता हूँ? हाँ जी। आपका शुभ नाम? संगीता मधवार। आपका दीदी? दीदी आपका नाम? आपका दीदी? नमस्कार, मैं गीता रावत वेस्ट विनोद नगर से पूर्व निगम पार्षद भी रही हूँ। क्या बात है, देखिए ऐसे ऐसे लोग अगर आ जाएंगे तो हमारी सुपर हिट हो जाने वाली। काफी दिनों से फिल्म के बारे में सुना था और देखा था, इंदिरापुरम में भी लगी थी, लेकिन इन दिनों आजकल आपको पता ही होगा विनोद नगर में रामलीला का ज्यादा चल रहा था तो हम लोग उसमें व्यस्त थे। अभी हम पूरी देवभूमि की टीम जो कि कल भी आए थे आधे लोग बट मैं नहीं आ पाई थी, तो आज अपनी देवभूमि की जो पूरी टीम है हमारी रामलीला की बच्चों को भी लेके आए ताकि जो वो मंचन करते हैं वहाँ पर तो वो भी एक तरह से भगवान श्री राम का ही मंचन है, लेकिन संस्कार भी जरूरी है तो वो संस्कार भी सीखे। तो आज हम टीम को लेके, मतलब राम भगवान का संस्कार दे दिया, अब मूवी का संस्कार आप देने वाले लोगों को, उनसे वादा किया था कि आप अच्छा सा मंचन हो जाएगा उसके बाद हम सब लोग इकट्ठा मूवी देखने जाएंगे, तो आज हम सभी बच्चों को लेके संस्कार मूवी देखेंगे। ठीक है थैंक यू सो मच। अभी सभी लोग यहाँ पर आए उत्तराखंड क्षेत्रवासी, मैं चाहता हूँ इसी तरह से सभी लोग आ रहे हैं यहाँ पर, क्राउड में दिन पर दिन क्राउड भी बढ़ता जा रहा है, कल भी क्राउड था और आज भी क्राउड है, तो इसी प्रकार से एक उत्साह नजर आता है और जैसे जैसे यहाँ युवा संघ बच्चे भी यहाँ बच्चों क्या हाल है, कैसे आप लोग, क्या देख रहे हैं बताओ, यहाँ पर कौन सी मूवी देख रहे हो? संस्कार। संस्कार देख रहे हो, कहाँ से आए बताओ? आप कहाँ से अभी? मैं क्या नाम है आपका? आयुष। कौन सी मूवी देख रहे हो? संस्कार। पक्का संस्कार देख रही है? पक्का। सब है, चलिए देखिए फिर देखते हैं पर आगे हैं। तो यहाँ पर अभी लोग क्राउड है, काफी बच्चे हैं यहाँ पर देखे भाग रहे हैं। तो गुड़िया क्या नाम है बेटा आपका, क्या नाम है बेटा, क्या दिख रहा है यहाँ पे, कौन सी वाली पहाड़ी फिल्म? संस्कार बोलो, क्या बोलेगी? संस्कार। तो कैसी लगेगी आपको मूवी, बिना देखे तो पता नहीं आ गया ना। अच्छा कौन से कौन कौन से किरदार देखे हैं, देखे आपने कोई फोटो देखी इसकी, कोई भी देखी फोटो, अभी वहां लगी तो फोटो देखी नहीं। अच्छा फेवरेट हीरो कौन सा है आपका उत्तराखंड का? संजय सिलोड़ी जी हैं, हैं? तो काफी अच्छा यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर काफी लोग हैं। तो आज का एक्सपीरियंस कैसा होने वाला आपका बताओ बच्चों? पता नहीं मतलब मूवी देखेगा नहीं मजा आएगा है। तो अभी कहाँ से आए वैसे आप? विनोद नगर से। तो आज संस्कार आप सभी लोग देखने वाले हो हैं, तो अभी मतलब एंट्री नहीं हो पा रही है, तो अभी एंट्री थोड़ी देर बाद, अभी 3:45 से स्टार्टिंग है यहाँ पर सभी लोगों के लिए, तो यहाँ काफी अच्छी होने वाली है, तो सभी लोग संस्कार जरूर देखें, लेकिन अपने उसके बारे में जरूर बताएं कि कैसी लगी संस्कार मूवी, ठीक है जी। तो थैंक यू सो मच आप सभी का आगमन का यहाँ पर, बहुत बहुत धन्यवाद, आते रहिए और देखते रहिए, यहाँ पर काफी बच्चे भी, छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ पर आए। क्या नाम है बेटा आपका? बेटा कौन सी मूवी दिख रहे हो आप, कौन सी मूवी दिख रहे हो? है आरती। आरती कौन सी मूवी दिख रहे हो बोलो? संस्कार। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? गौरी। अरे तो शंकर की भाई, शंकर की गौरी आ गई यहाँ पर है। चलिए चलते देखते हैं यहाँ पर किस तरह से यहाँ पर सभी लोग पहुंच रहे हैं और धीमे धीमे करके सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, पहुंचे हैं। मैं चाहता दिखाता हूँ यहाँ, अब एंट्री जो हो गई यहाँ पर चालू हो गई, काफी क्राउड है, धीमे धीमे करके यहाँ बढ़ता जा रहा है, पूरी भीड़ दिख रही है आपको यहाँ पर। 48 में जो है हमेशा यहाँ पर लगी जाती है मूवी, और आजकल ये कल तो बहुत छोटा हो गया था, आज मुझे लगता है ये मॉल फिर जो छोटा होने वाला है, क्योंकि जिस प्रकार से प्रेम भाई ने संस्कार मूवी को बनाया है बड़े प्यार प्रेम से, और इस प्रकार से यहाँ पर काफी लोग पब्लिक आती जा रही है, और हम यहाँ पर दिखाएंगे आपको संस्कार बहुत बेहतरीन से। और ये संस्कार का जो बैनर है, बैनर तले यहाँ कार्य हो रहा है, कल भी हमने बैनर को लिया था, आज भी हम बैनर को लिया था, और ODI 8 पाएंगे, ODI 8 पर होगा,
यहाँ से एंट्री द्वारा वो दिखाएंगे किस प्रकार से। तो अभी भी लोगों का आना जाना यहाँ से चल रहा है, भीड़ यहाँ पर दिख रही है आपको, क्राउड धीमे धीमे बढ़ता जा रहा है। कम नहीं हो रहा है, पब्लिक दबा दब यहाँ पर आई जा रही है। इस प्रकार संस्कार की मूवी का एक अलग ही मजा आ रहा है। यहाँ जितने से लोगों की संख्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। और हाउसफुल ने तो इस बार कुछ बढ़िया किया इस बार, क्योंकि जिस प्रकार से यहाँ पे लोगों की भीड़ धीरे 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 यहाँ पर लोग पहुंच रहे हैं और संस्कार मूवी को देखने के लिए यहाँ पहुंचे हैं कुछ यहाँ के नए युवा यंग जनरेशन के बच्चे। और आप देख रहे हैं किस प्रकार से यंग जनरेशन के बच्चे ही हाउसफुल कर सकते हैं और एक नया युवा। अरे वाह क्या आवाज है। अच्छा आज कौन सी मूवी देखना है आप बताएंगे जरा सा? संस्कार मूवी देखने हैं। आप कहाँ से आए ऐसे बताएंगे जरा सा? हम विनोद नगर। तो आज विनोद नगर में संस्कार फैलने वाला है, सही है? तो सही बच्चे आप कौन सी कमेटी से? अच्छा आपने कुछ वहाँ पे क्या किया था रामलीला में? क्या आपने पार्टी था? कौन सा पार्टी आपने? पार्वती तारा। तो वहाँ पर संस्कार जैसे बनाया ना, तो यहाँ भी आप संस्कार लेके जाना, ठीक है? ठीक है वहाँ पर कोई बात नहीं, यहाँ पर संस्कार भी आपको फैलाना। बोला एक बार संस्कार बोल दीजिए आप लोग, एक बार फिर बोलिए संस्कार। ठीक है, थैंक यू सो मच, आपका धन्यवाद। ऐसे आते रहे, संस्कार मूवी देखते रहे, काफी अच्छे बच्चे यहाँ पर है। क्या नाम आपका? नेहा। आज नेहा कर रहे देखने वाली मूवी पक्का। और आपका नाम? राधिका। आपका? श्वेता। आपने भी पार्टी लिया था रामलीला में? जैसे वहां संस्कार मिला ना, वैसे आज यहाँ भी संस्कार मिलाना, ठीक है? सबके अंदर। क्या नाम आपका बुढ़िया आदमी बता दो? आरुषि। क्या भैया सबका लेने मेरा नहीं है? और कौन रहते क्या? क्या नाम बेटा आपको बता दो? मान्या। चलो मान्या क्या करने वाला आज यहाँ पे? मूवी देखने वाले। चलिए ठीक है, चलिए जाइए अंदर, जाइए अपनी सीट लीजिए, क्योंकि फिर सीट छूट जाएगी, क्योंकि फास्ट फूड जाएगा आजकल आपको, ठीक है? चलिए चलते रहिए, चलते। थैंक यू सो मच वाले। हम यहाँ पर गेट खोलेंगे और किस प्रकार की मूवी होने वाली है ये देखेंगे। और हम गेट खोल के अंदर आ गए हैं और अभी मूवी की थोड़ी स्टार्टिंग में था, थोड़ा सा पिक्चर यहाँ पर पिक्चर भी दूसरी। फिर आज भी जो है पब्लिक पूरी बैठ रही है यहाँ पर धीमे धीमे, अभी और भी आ रहे हैं क्योंकि टाइम भी है, 3:45 का टाइम है। तो अभी थोड़ी संख्या जो है आने वाली है और भी यहाँ पर भीड़ धीरे धीरे, क्राउड पूरा हाउसफुल होने द्वारा। तो देखिए देखिए सीट पर सीट फुल होते जा रही है धीमे धीमे, यहाँ पर नीचे काफ़ी लोग यहाँ पहुँच रहे हैं। और मैं चाहता हूँ आपको दिखाऊँ किस प्रकार से यहाँ पर लोग पहुँच रहे हैं, पूरी ऊपर से लेकर जीते हैं। हाँ जी बिल्कुल जी। तो यहाँ पर सारे वासी पहुँचे हैं, मैं थोड़ा सा दिखाता हूँ आपको। और इसी प्रकार से मूवी जो यहाँ पर चलने वाली है अभी थोड़ी देर में संस्कार। कैसे बेटे? ठीक हूँ। क्या देखने आए हो? मूवी। कौन सी? संस्कार। संस्कार मूवी देखोगे पक्का? हाँ। सबको संस्कार दिखाओगे? हाँ। तो कितने दोस्त हैं आपके? कितने दोस्त हैं? बहुत सारे। बहुत सारे, सबको बताओगे संस्कार मूवी देखना हो? क्या नाम आपको बुढ़िया? गाड़ी परी। और इसका नाम क्या नाम? आपका नाम क्या है? अंतिका। आगे संस्कार फैलाने आई है। तो यहाँ पर काफी लोग हैं, छोटे छोटे बच्चे भी आए हैं यहाँ पर संस्कार देखने। तो इसी प्रकार से हमें थोड़ा प्रेरणा मिलती है, जैसे छोटे छोटे बच्चे देखिए, इनको दिखाना जरूरी है, कभी आगे बढ़ेंगे, ठीक है? संस्कार देखिए तो संस्कारित होंगे। चलो ठीक है, थैंक यू सर। कौन सी मूवी देखना है यहाँ पर आप? यार मैं तो पता ही नहीं कौन सी मूवी है जो यहाँ पर लगी। संस्कार मूवी संस्कार उत्तराखंड की। उत्तराखंड की। तो सर उत्तराखंड से आप भी है? तो उत्तराखंड से ही। उत्तराखंड की जगह से सर? उत्तराखंड रामनगर नैनीताल। रामनगर से। सर आज जो उत्तराखंड की जो मूवी है जो प्रेम भाई ने और राजेंद्र भाई ने बनाई है, वो चाहते हैं कि आपके एक छाप छोड़ के जाए सी, जो कि हमारे जो बच्चे आने वाले जनरेशन है, या आप वैसे संस्कारी तो है वैसे ही, लेकिन आने वाले जनरेशन को भी संस्कारी से वो करना है, क्योंकि इससे रहे कि बंदे को पता लगे कि भाई हम संस्कार कहाँ पर क्या क्या चीज़ हमें करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए। तो अभी जैसे अभी मूवी जैसे स्टार्ट होने वाली है, तो अभी तक कैसा बोला कि आपको आने आने में दिक्कत या कुछ ऐसी? नहीं कोई दिक्कत नहीं है, हम तो यहीं रहते हैं, तो हमें आने जाने की तो कोई दिक्कत है। कौन सी जगह पर रहते हैं आप सर? यहीं विनोद नगर। विनोद नगर में। तो देखिए विनोद नगर के क्षेत्रवासी यहाँ पहुँचे हैं और आज यहाँ की जो मूवी है संस्कार मूवी वो देखना है। तो मैं चाहता हूँ इनकी जो मूवी हो बहुत बेहतरीन हो, बहुत शानदार हो, क्योंकि एक प्रयास है उत्तराखंड की एक मूवी का, क्योंकि और भी मूवी आपने देखी होंगी उसमें काफ़ी मतलब ओल्ड लोग रहते थे, लेकिन इसमें जो है नए जनरेशन ओल्ड लोग दोनों का मिलाकर एक बनाई गई है। तो मैं चाहता हूँ कि बहुत बेहतरीन होनी चाहिए। सर आपको कैसे लगने वाली आज की मूवी, कुछ बताएंगे सर? जब देखेंगे सर तभी पता लगेगा। क्या आपका शुभ नाम ले सकता हूँ? कमलेश जोशी नाम है। तो कमलेश जोशी जी आज जो मूवी है वो शानदार होने वाली है, आप यहाँ से कुछ ना कुछ लेके जाएंगे? हाँ हम तो देखते रहते हैं कुमाऊनी मूवी। और अभी अब तक कौन से मूवी लेके आए? हमने ये तीन आखर देखी हुई है और हाँ और भी बहुत सारी मूवी है। आपका ये
नाम याद नहीं आ रहा, बहुत सारी देखी। लेकिन आज संस्कार देखना, संस्कार मूवी आपको बहुत चीज सिखाई गया था, मतलब आप सीखे तो हैं लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत इस पिक्चर के माध्यम से। मोबाइल का हीरो ये है उसमें, क्या नाम है, नाम भूल गया। हाँ संजू, काफी अच्छा लगा यहाँ पर, काफी अच्छा बताया चाहते हैं। संजू भाई है तो चंदो नहीं, संजू 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 हमारे जो हीरो हैं वो हमारे अकाउंटेंट है। अच्छा तो काफ़ी अच्छा है, थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे तैसे आप जितने भी लोग हैं मूवी देखना है, मैं चाहता हूँ आपको दिखाऊं, यहाँ पूरी क्राउड है, पूरी पब्लिक है। थोड़े से और भी लोगों से बात करते हैं यहाँ पर, क्योंकि रिव्यू लेना जरूरी है, क्यों बंदों का जो भी है यहाँ पर आए हैं, तो धीमे धीमे छोटे छोटे रिव्यूज सबके लेते हैं। ये देखिए कुछ ये भी बोलना चाहती हैं थोड़ा सा, है कि नहीं, आ जाओ साइड, आ जाओ थोड़ा सा, मैं आ जाता हूँ और बात कर लेता हूँ थोड़ी सी बहनों से अपनी, छोटी छोटी बहनों से बात कर लेते हैं। तो बहन आज कैसे होने वाला है आपका? आज बहुत अच्छा लगने वाला है। आपका नाम जा सकते हो? अनामिका। आपका नाम? शिवानी। तो शिवानी और अनामिका दोनों आई हैं आज, संस्कार लेके जाएंगे नहीं जाएंगे पहले बताइए यहाँ से? जरूर और संस्कार अपने फ्रेंड्स को फैलाएंगे मिलेंगे? अभी तो मूवी, अभी तो पिक्चर बाकी है, मतलब पिक्चर अभी देखी नहीं है भैया, अभी तो बिना देखे तो हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते, लेकिन देखने के बाद हम जरूर बताएंगे आपको। तो इसमें कुछ डायलॉग में याद रखना, आपसे मैं डायलॉग पूछूंगा, ठीक है? बताओगे आपका? देखते हैं संस्कार मूवी कैसी होती है, उनको भी जरा एक्सपीरियंस मिले और सबको अपने फ्रेंड को जरूर बताना इस मूवी का, ठीक है? थैंक यू सो मच। तो और भी चलते हैं यहाँ पर और लोगों से बात करते हैं, शायद हमसे थोड़ा सा टाइम दे, हमारी बहनें माता बहनें, तो उनसे पूछा जाएगा। तो नमस्कार जी, कैसे होने वाला आज का एक्सपीरियंस, कैसा होने वाला आपका इस मूवी का एक्सपीरियंस? अच्छा होने वाला है, तो लगता है कि मूवी संस्कार धूम मचाएगी। बिल्कुल, क्योंकि अभी तक जितने दिन मैंने अभी यू शूट करा उतने दिन सभी लोगों ने कहा कि इसका पार्ट टू भी आना चाहिए जल्दी, तो अब हम देखेंगे, पहले आज पता चलेगा जी। पहले पार्ट वन देखिए, फिर पार्ट वन के बाद बताना कि पार्ट टू आना चाहिए आना चाहिए, ठीक है? फिर हम जरूर आपसे सभी लोगों से पूछेंगे। तो आप सब विनोद नगर से यहाँ से लेकर सब पूरे, हाँ जी, काफी थैंक यू सो मच आप यहाँ पर आए और आज मूवी का आनंद लीजिए, फिर बताना संस्कार मूवी कैसी है, ठीक है? थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो हमने चाहा कि सभी को दिखा यहाँ पर धीमे धीमे, क्योंकि सभी लोग क्षेत्रवासी यहाँ पहुँचे हैं, तो यहाँ पर सभी लोग बैठे हैं, थोड़ा सा हमें डिस्टेंस नहीं है लेकिन फिर भी बहुत अच्छा है, आनंद चाहते हैं थोड़ा सा और आगे चलें और भी लोगों से बातें करें किस प्रकार से मूवी होने वाली है। और साथ ही धामी सरकार अरोमा घाटियों का निर्माण भी करवा रही है। चलिए एक भूमि से बात करते हैं, बहुत हमारे ओल्ड है, ओल्ड इज गोल्ड कहते हैं, तो ओल्ड गोल्ड से भी ले लेते हैं। नमस्कार सर। हाँ जी नमस्कार, कैसे सर? बहुत बढ़िया जी। सर कहाँ से बिलोंग करते हैं आप? वैसे हम तो डिस्ट्रिक्ट रुद्रप्रयाग से बिलोंग करते हैं। रुद्रप्रयाग से, सर आपका शुभ नाम जान सकते हो क्या मैं? आपका शुभ नाम? मेरा नाम ओम प्रकाश नौटियाल है। सर अभी जो आज कौन सी मूवी आप देख रहे हैं यहाँ बताएंगे? संस्कार गढ़वाली। तो आप बच्चों के साथ हैं? अकेला है सर? बच्चों के साथ आए। तो आपके बच्चे कहाँ हैं? ये सब साथ में बैठे? अच्छा पीछे भी बैठे हैं। अरे देखो माता बहने हमारी सारी बैठी यहाँ पर, तो आज मुझे लगता है कि संस्कार मूवी बहुत धूम होने वाली है, जब ऐसे लोग अगर हमारी मूवी को देखेंगे तो भाई हमें तो प्रेरणा जरूर मिलेगी। तो सर अभी जो बच्चे आज और मतलब मिसेज आ रही हैं, बच्चे भी होंगे, सभी आ गए, तो काफी अच्छा सर ने बात की है कि आज सभी को लेके यहाँ है और मैं चाहता हूँ कि इस मूवी को देखें, तो इसके बारे में हम थोड़ा सा आपसे पूछेंगे कि किस प्रकार से मूवी है। अभी अभी तो मैंने देखी नहीं, पर हमने सुना संस्कार, संस्कार नाम है तो अच्छा ही होगा, बढ़िया ही होगा। तो थैंक यू सो मच सर, आपने हमें बताया कि हम चाहते हैं कि पिक्चर देखने के बाद फिर आपसे थोड़ी सी बात करेंगे, तो धन्यवाद सर, थैंक यू सर। तो सारी क्राउड यहाँ पहुँचा और मैं सभी को एक बार कैप्चर कर लेता हूँ थोड़ा सा, ये व्यू है हमारे लिए और एक बहुत पानी निकोर मन की तू भोर की गाड़ी पाग माले की कैर नी जानी नेर वे रानी और ये हुए काणी। ओम शांति शांति शांति। कैणा सिंह जूनियर नो कैणा सिंह दोस्त
इट इज फैशन अंकल, यू नो इट्स फैशन। करा लगे हाँ, अच्छा अच्छा। तो अभी हो गया पिक्चर का मध्यांतरण, जिसे कहते हैं आफ्टर द ब्रेक। अब ब्रेक के बाद देखते हैं लोगों से पूछते हैं किस प्रकार से कैसी रही मूवी और कैसा उनका विचार रहा इस मूवी के अंदर, क्या क्या सस्पेंस है, क्या क्या चीज़ें हैं। और अच्छी है मूवी, काफ़ी बेहतरीन है, जो उत्तराखंड के क्षेत्रवासी सबसे पूछते हैं। चलिए चलिए उनका सब। हेलो वैसा, मेरा नाम आनंद वर्धन पुरोहित है। बहुत अच्छी, शुरू में तो अच्छा लग रहा है, पारिवारिक फिल्म है और हमें देखनी चाहिए और अपने फैमिली को भी दिखानी चाहिए इस प्रकार की फिल्में गढ़वाली में, और बहुत अच्छा है। आगे देखो कैसा मध्यांतर। हाँ देखो, पारिवारिक फिल्म है, माता अपनी मम्मी के प्रति, दोनों भाइयों का किस प्रकार से वो है, एक भाई बिगड़ भी रहा है और दूसरा भाई उसे संभालने की कोशिश कर रहा, देखो आगे। और तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी सीख मिलेगी इस फिल्म से। क्या लगता है वो भाई सुधरेगा या क्या होगा? नहीं सुधरेगा, बिल्कुल सुधरेगा। और ना फिर भी एक तो हो जाते कि जरूर सुधार आएगा उसमें। बहुत बढ़िया, अमन और आकाश की जोड़ी, राम और कृष्ण की जोड़ी कह लेंगे, बहुत बढ़िया। मूवी तो बहुत अच्छी थी, हम फनी भी थी बहुत ज़्यादा और थोड़ी इमोशनल भी थी, थोड़ी उसमें थोड़ी ड्रामेटिक भी थी, बहुत अच्छी थी। जैसे वो दोनों फनी उसमें ये था कि जैसे कि वहाँ पर एक लड़का होता है और वो लड़की होती है, वो उसको मतलब कि उनकी मतलब कि जो भाषा होती है उसमें बोलता है कि मतलब कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, आई लव यू, ऐसा बोला। और मतलब कि बहुत ज़्यादा ही अच्छी मूवी थी। बहुत अच्छा लगा, मतलब मैं चाहती हूँ मैं और भी बार देखूँ। बहुत अच्छी है, हाँ, क्योंकि बहुत अच्छा लगा हमें ये मूवी देख के। ऐसी मूवी बहुत सारी बननी चाहिए, इससे बहुत ज्यादा वो लगता है मतलब कि संस्कार तो संस्कार ही रहते हैं। हमें बहुत ज्यादा बहुत अच्छा संस्कार भी मिल रहे हैं इसको देख के। हाँ बहुत अच्छा लगा हमें। थैंक यू। अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छी लग रही है। हमारी पहाड़ी संस्कृति, अपने माँ बाप की इज्जत करना, अच्छे अच्छे चीज़ों को करना, ये शराब वराब नहीं पीना, इससे हमारे घर वालों को दुख होता है, ये सब अच्छी बातें नहीं है। हाँ तो मध्यंतर चल रहा है, तो उसके बाद जो आगे होने वाले, उसके बाद पूरी मूवी का जो स्टोरी समझ में आएगी क्या है। हाँ मुझे एक चीज बोल दिया, मैं यूपी से हूँ बट मैंने ये संस्कार मूवी देखी तो ऐसा लगा है कि यूपी की नहीं है ये, इतनी अच्छी मूवी है, इसको देखने सब आए। अच्छा, बहुत ज्यादा। मैं यूपी से हूँ, आगरा। और ये जो मूवी है ना, इसको सब देखना हो, इतनी अच्छी मूवी आपको कहीं नहीं मिलेगी। थैंक यू सो मच। ऐसे छोटे मोटे बच्चे भी और आ रहे हैं यहाँ पर, जिस तरह से यहाँ पर दिखना है, मैं चाहता हूँ और भी लोगों को कैप्चर करूँ, और ऐसे प्यारे प्यारे बच्चे आते हैं और यहाँ पर संस्कृति से भी जुड़े रहते हैं, चाहते हैं हम दिखाएं किस प्रकार से होने वाला है। अच्छा ये बताइए, जो इसमें एक्टर है, इसने क्या डायलॉग बोला था? कौन से वाले ने? अपने भाई को, वो जब दारू के नशे में था तो उसने ये मतलब कि उसके भाई ने ये बोला था कि मतलब कि मैं इतना खुश था और तूने मुझे दुखी कर दिया कि तू दारू पी के आया। बट मेरे को मूवी बहुत अच्छी लगी, मतलब उसमें संस्कार और ईमानदारी के बारे में बहुत अच्छे से बताया है, और उसमें सब चीज़ अच्छे से डिस्क्राइब करी है कि ईमानदार कैसे बनते हैं और संस्कारी कैसे बनते हैं। अगर
फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। संस्कार बहुत अच्छी मूवी है। इसमें आपको क्या प्रेरणा, क्या मोटिवेशन मिलता? हमें बहुत अच्छा लगा इस मूवी को देख के और हमें इससे बहुत कुछ सीखने के लिए मिला कि जैसे संस्कृति सभ्यता से हमें जुड़ा रहना चाहिए। हाँ जी, बोली भाषा जो हमारी है उससे भी जुड़ा रहना चाहिए। लेकिन हम क्या है, जहाँ दिल्ली जैसे शहर में आकर रहना चाहिए वो हम भूल चुके हैं। हाँ, हम बोली भाषा नहीं बोल पाते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि बोली भाषा जरूर बोले। लेकिन और संस्कार मूवी जितने भी लोगों को शेयर जरूर कीजिएगा। अभी माध्यांतर जल चला है लेकिन अभी इंटरवल्स हैं, इंटरवल्स के बाद और भी चीज़ आपको देखने को मिलेगी, काफ़ी चीज़ सीखने को मिलेगी, मतलब हमें कैसे करना है क्या करना है। तो अच्छा करें तो मूवी आपको, यस सर। अच्छा, अगर आपको रेटिंग देना पड़ेगा तो कितनी रेटिंग देंगे? 100% दिए अभी तक आप में से। 100 आउट ऑफ 100% कितने दोगे? 100 तो थैंक यू। आप कितने दोगे? 100 ठीक है। तो आप दोनों फ्रेंड्स हैं या सिस्टर्स हैं? फ्रेंड्स हैं। तो सभी फ्रेंड को शेयर करनी है इसको, ओके जरूर रिकमेंड करना है कि इसको जरूर देखें। ठीक है, ओके। नॉन इंस्टाग्राम भी चाहे उत्तर, ठीक है, फनी रोल्स थे उसमें, संस्कार के बारे में बताया, नशा वगैरह नहीं करना चाहिए, मम्मी पापा की इज्जत करनी चाहिए, ऐसा वगैरह। संस्कार में क्या बताया गया सर, समझ में आया क्या चीज़ बताया? हाँ, तो काफ़ी चीज़ में यहाँ मूवी दिखाई जा रही है, काफ़ी चीज़ दिखाया जा रहा है। इसमें कोई लाला का आपने शॉट देखा है? लाला के साथ कौन था बताइए, जिसको बार बार बोलता था उसका भाई? भाई का नाम क्या था बताओ? क्या भाई का नाम क्या था? शेडी वो सामने दिख रहा है फोटो में, देखो याद आया था? याद बताओ, याद नहीं पता देख लो, लेकिन मूवी के उनके बारे में लखपत नाम है, लखपत या लखपत मेरे छोटे छोटे भाई आए यहाँ पर मूवी देख रहे संस्कार, तो कैसी लग रही है आपको जो मूवी है अभी तक? तो बहुत अच्छी है, अच्छी लगी। देखना है आप यहाँ पे संस्कार? अच्छी लग रही है। हाँ, अभी तक समझ में आ रहा है क्या करना चाहिए। आपका नाम क्या? अभी अंशुल। अंशुल कैसी लग रही है आपको? मुझे अच्छी लग रही है। अच्छा, बढ़िया, आनंद में। हाँ, मतलब सबसे ज़्यादा बढ़िया पात्र किसका अच्छा लगा, कौन सा डायलॉग आपको अच्छा लगा इसमें? मेरे को लगा है उस अमन का। अमन, अमन जो पुलिस वाले बने? यस सर। अच्छा, और ग्यारह सिंह का? ग्यारह सिंह भी अच्छा है। ग्यारह सिंह भी अच्छे लगे। और संजीव भाई का जो चल रहा है, जो भी चला, एक गाना सुना था बीच में, गाना चला था, गाना नहीं सुनता है आप? लेट आए थे? अभी आया हूँ। अच्छा, अभी आए, कोई बात नहीं, बहुत अच्छा है, छोटे छोटे भाई हैं। अच्छा भाई, आपका नाम तो बताओ यार, क्या नाम है? आयुष। आयुष, आपने देखी मूवी? देखी। कैसी लग रही है? बहुत अच्छी लग रही है। तो क्या मतलब किस लिए रुके पड़ो, मतलब क्या चीज़ दिख रहा है इसमें, ऐसा समझ आ रहा है? अभी इसमें हमें ये पता चल रहा है कि जो आतंकवादियों का जो अपने उत्तराखंड में वो चल रहा है, आतंक चल रहा है, उसको कम करने के लिए इसमें बताया गया है। जो पुलिस इंस्पेक्टर है वो हमें ये बता रहे हैं कि हमें डरना नहीं चाहिए किसी से। अच्छा। इससे ये पता चल रहा है, जैसे अपराधी लोग, जैसे बहुत से लोग होते हैं जो गुंडे बदमाश होते हैं, जैसे बहुत से लोग होते हैं वो हमारे को ये थोड़ा सा वो कर देते हैं, डीमोटिवेट कर देते हैं, लेकिन हमें कभी वो डीमोटिवेट नहीं होना है, हमेशा मोटिवेट। हाँ, वही, हमें डीमोटिवेट नहीं होना है, हमें मोटिवेट रहना है, हम इनके खिलाफ पिता के जो संस्कार को उसे कभी कभी नहीं भूलना है। तो हम सब चीज़ें भूल जाएंगे ना, क्योंकि भाई देखो बड़ी मुश्किल से हमें संस्कार मिलते हैं। अब उत्तराखंडी वासी हम सबसे बड़े कितने खुश नसीब हैं, हम देवभूमि से जुड़े हैं। हाँ, कार्यक्रम पौड़ी में रहते हैं, तो वहाँ पर कौन वास करते हैं बताओ? शिव भगवान। शिव भगवान करते हैं, तो हम कहाँ रहते हैं? शिव भगवान के वहाँ रहते हैं ना, तो हमें कितनी बड़ी सबसे बड़ा गर्व है कि नहीं, हम कितनी जगह देवस्थान पर रहते हैं, है कि नहीं? तो आपका वहाँ का मंदिर कौन सा ज्यादा प्रसिद्ध है? हमारे यहाँ का ज्वालपा देवी। तो आपके यहाँ? मुझे नहीं, मंदिर गए उत्तराखंड में? हाँ गए। कहाँ, कौन सा मंदिर गए? मैं गया था वो ऊपर नैनीताल में ना एक मंदिर। हाँ, कौन सा है उसका नाम? नहीं, नाम याद नहीं इतना। नैना देवी? हाँ, नैना देवी है ऊपर। हाँ, एक वो है कालूसी मंदिर। आप गए कभी उत्तराखंड? मंदिर फेमस कौन सा? अगर हमारे गांव में देखा जाए तो बिंदेश्वर ज़्यादा मायने रखता है, पर अगर पूरे क्षेत्र में देखा जाए तो कालिंका। कालिंका को काफ़ी अच्छा लगा। यहाँ पर छोटे छोटे मेरे भाई थे यहाँ पर, इन्होंने मूवी देखी, और मैं चाहता हूँ आगे भी मूवी देखें, और उसके बाद फिर पता लगा कैसे होने वाली मूवी है, फिर पूछेंगे आपसे। कुछ डायलॉग याद रखना, कुछ डायलॉग थे उसको जरूर याद रखना, ठीक है? थोड़े से डायलॉग बुलवाएंगे आपसे फिर। चलो ठीक है, थैंक यू सो मच, आपका बहुत धन्यवाद। तो छोटे छोटे भाई आए थे यहाँ पर संस्कार मूवी देखने, मैंने कहा कि मैं थोड़ा बहुत कैप्चर करूँ,
और अभी तक की जो मूवी है बहुत शानदार, बहुत बेहतरीन है। और आगे भी दिखाता हूँ इस सप्ताह का पोस्टर, जो एक पोस्टर लगा है सामने आपके बीच में यहाँ पर दिख रहा हुआ, ये 8 नंबर पर ऑडियो में लगा है और ये बहुत दिन से जो भी है अभी तक सुपर डुपर हिट जा रही है। और 8 नंबर है, यहाँ से एंट्री द्वार है। छोटे छोटे बच्चे इधर, ये बच्चे, क्या नाम है आपका? अवनी। अवनी, कैसी लगी मूवी आपको? अच्छी। संस्कार मूवी दिख रहे हो? हाँ। पक्का? हाँ। आपको से मूवी दिख रहे हो? संस्कार? सेकंड। संस्कार मूवी दिख रहे हो? कैसी लगी आपको? अच्छी। अच्छी लगी? अरे वाह, तो बच्चों को तो अच्छी लगी। अच्छा, एक बार बाय बाय कर दो। बाय। टाटा। थैंक यू सो मच। तो इसी तरह से छोटे छोटे बच्चे हैं, ये ओडी 8 में लगा हुआ है। तो चलते हैं इसमें, दिखाते हैं किस तरह से अभी मूवी स्टार्ट होने वाली है धीरे धीरे, और सभी को कैप्चर करेंगे। द्वार खुलते हैं ओपन, जैसे ऊपर होगा तो यहाँ पे पीछे द्वारा स्टार्टिंग है, यहाँ पर पीछे नंबरिंग चल रही है। अभी हमारे बीच में उत्तराखंड की अम्मा जी हैं, यहाँ पर बैठे हैं। मैं उनसे पूछता हूँ, कैसी लग रही है आपको मूवी अम्मा जी? अच्छी। भला लग को दिखाऊं सर? संस्कार, संस्कार दिखाऊं सर? संस्कार मूवी भल लग तुम? भल भल बढ़िया लग रही। तो क्या क्या समझ में आ रहा तुमको? सब समझ में आ रहा, गौरवपूर्ण होता नहीं। अच्छा, चलो बढ़िया, अच्छी बात है। माता जी बोले बहुत सही समझ में आ रही है, अच्छी बात है। और अच्छा लग रहा है, बढ़िया लग रहा है मूवी तो। अच्छा, चलिए, अच्छी होनी चाहिए ऐसी मूवी को देखने के लिए। सभी लोग यहाँ पहुँचे हैं और हमारे जो वरिष्ठ लोग हैं सबसे पहले वो पहुँचे, तो एक बड़ी बात है। और जिस तरह से इस मूवी के अंदर संस्कार भरा हुआ है, तो अभी बहुत चीज़ें बातें करेंगे अभी लोगों से। चलते हैं ऊपर जरा सा। मजा आ रहा है मूवी देखने में? कितना मज़ा आ रहा है मूवी देखने में? है अच्छी लग रही है मूवी? ऐसी आनी चाहिए मूवी हमेशा? है ये छोटी सी बच्ची है, बहुत प्यारी सी, और अभी सोच रही है मैं क्या बोलूँ क्या नहीं बोलूँ। है कि नहीं, क्या समझ नहीं आ रहा? चलिए कोई बात नहीं, और भी लोगों से बात करेंगे अभी। एक चीज़ बताएंगे आपको कैसी लग रही है मूवी, कुछ थोड़ा सा बताएंगे आप अभी जैसे? अच्छी लग रही है मूवी हमें। तो अभी तक कौन कौन से पात्र आपने इसमें देखे जो आपको बढ़िया लगे? एक तो लखपत, लखपत जी हो गए। डायलॉग सुना अभी लखपत का? कौन सा डायलॉग था? जो एक पैसे जो मांगती तो क्या बोलती हो, कुछ आइडिया? नहीं इतना नहीं अभी याद होने के। अच्छा, वैसे जाते हो उत्तराखंड, जाते हो आप वैसे? जी हाँ जी। आप शायद मुझे पहचान नहीं रहे, मैं भगवत सर के ग्रुप से हूँ। क्या बात है, ऐसे ऐसे देखो यहाँ तब नहीं आ पाई थी मैं शो पे, थी मैं रिहर्सल पे थी रामलीला की, तो आज मुझे टाइम मिला तो फैमिली के साथ आई हूँ। कभी ना सच न सुना है कि कभी ने जो की तरह कभी नहीं करी। हाँ पिताजी, नखरे तुम्हें तभी बहुत लगने लगे, पर हम कह ही भी क्या सकता, सब विधाता के लायक छे। ईमानदारी का भी पैसा देना अपनी कुटियारी में बांध दिया, पर कभी उसे खर्च नहीं करा। बेमानी का 4 पैसों से ईमानदारी का 2 पैसा भलो मन रे। आप लाड प्यार करने वाला मेरा राम जना भेजी गुहार, मेरा मुंड बाल और हमेशा रोल, कुछ समय का वास्ता में पाटा जरूर बिरड़ी को छुपर आपका और माँ का दिया उच्च संस्कार में कभी नहीं भूली भेजी, मैं माफ कर दिया। यह तेरी और मेरी, राम और किशन जन जोड़ी छे, यह लक्कन के वैसे नहीं। हाँ, कुछ समय का वास्ता
तेरे शरीर में से जरूर अलग है किछो, पर आत्मा नहीं। अमन तुम थे याद छे, मैं तुम थे बोलू छो कि एक दिन आकाश थे पछतावा जरूर हो। हाँ कनिका, अब हम सब हंसी खुशी दगड़ी होगा। और दिव्या तू किधर छे दूर खड़ी हुई इना? अब तुम दुए की चट मंगनी और पट भी हो ना, इतनी रह सकते। पहल मेरी बड़ी बेटी क्यों हो वे कबाद यू टू यू। हाँ लाला जी आप अपन बिल्कुल ठीक बोल रहे। अरे ये तो हमारा संस्कार था ना। अभी क्या याचना दे थे 150,000 रुपया। 150,000? न बेटा चेते नहीं मालूम, ये हमारे बीच एक बात। तो अभी जो है मूवी समाप्त हो गई, जो है संस्कार मूवी जो काफ़ी बेहतरीन, काफ़ी थी लोग बीच में दिखने अगर जरा यहाँ पर। चलिए पूछते हैं लोगों से कैसा रहा आज का रिव्यू, और जिस तरह से क्राउड यहाँ पर भी थोड़ा हिसाब से दिन था। चलिए पूछते हैं लोगों से कैसे है आज का यहाँ पर रिव्यू, कैसा रहा सर? अच्छा कैसा? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी फिल्म है, पारिवारिक फिल्म है, बहुत अच्छी है, और बच्चे जो शिक्षा मिलती है नई पीढ़ी को भी बड़ी अच्छी शिक्षा मिली। बहुत संस्कार बहुत बहुत अच्छी। तो यहाँ पर देखिए कितना से यहाँ लोग आए हैं। कैसी लगी जी मूवी, कैसी लगी आपको? अच्छी लगी। अच्छी कौन सी मूवी देखी आपने? अच्छी लगी। कौन सी मूवी देखी? संस्कार। संस्कार। तो सर कैसी रही मूवी आपको? बहुत बढ़िया, बहुत संस्कार बहुत बढ़िया, बहुत बहुत अच्छी। थैंक यू सो मच सर। तो यहाँ पर लोग आए थे, कैसी लगी संस्कार? बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। कैसी लगी बाबू आपको? अच्छा। अच्छी लगी। कौन सी मूवी देखी? संस्कार। बोलो संस्कार। संस्कार। कैसी लगी आपको मूवी? बढ़िया रही। तो संस्कार बढ़िया रहा? बहुत अच्छा। समझ में आया कुछ? बहुत बढ़िया। गाना आपने सुना था? गैना सिंह वाला। गैना सिंह वाला। पूरी स्टोरी समझ में आई मेरी, बिल्कुल। बहुत अच्छी लगी। बहुत अच्छी मूवी देख के जा रहे हैं संस्कार। आप कौन सी मूवी देख के जा रहे हैं? संस्कार। तो घर में फैलाएंगे संस्कार, लोगों को भी समझाना कि संस्कार जरूर देखना। बिल्कुल बिल्कुल। कि संस्कार मूवी जरूर देखे एक बार। कैसी रही छोटू की संस्कार? अच्छी थी, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। कैसी रही? अच्छी। बढ़िया 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 रही, बढ़िया। कौन सी मूवी देखी? बहुत अच्छी, बढ़िया फिल्म। संस्कार। कौन सी मूवी? संस्कार। बहुत अच्छी। अरे कौन सी मूवी देखी? संस्कार। कौन सी मूवी देखी बड़ा? संस्कार। कौन सी मूवी देखी? संस्कार। कौन सी मूवी देखी थी आपने? संस्कार। कैसी लगी आपको? अच्छी लगी। अच्छी लगी। देखिए यहाँ पर काफी लोग हैं जो आए यहाँ पर आज मूवी देखी। सर कैसी लगी आपको? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आनंद में कौन सी मूवी देख के जा रहे हैं सर आप? हाँ जी। कौन सी मूवी देख के जा रहे? क्या करो, कौन सी मूवी देखी आपने? हमने संस्कार। कैसा रहा संस्कार मूवी? कैसा रहा रिव्यू? बहुत अच्छी लगी, बहुत अच्छी लगी। तो चाहते किसका भी दूसरा पार्ट भी आना चाहिए? आना चाहिए जरूर। कैसे रही संस्कार? संस्कार है, उनको आगे बढ़ाना चाहिए। कैसी रही सर? बहुत बढ़िया। क्या सबसे अच्छा बढ़िया लगा इसमें आपको? इसमें अपना रीति रिवाज हर चीज सौर संस्कार बच्चों को। बिल्कुल जी, काफी अच्छा लगा यहाँ पर। कैसी लगी जी मूवी आपको? बहुत अच्छी लगी। तो समझ में आया कि संस्कार ऐसे होना चाहिए हमारे बच्चों में? हाँ जी। तो अभी क्या कहोगे और लोगों को भी रिकमेंड करोगे इस मूवी को देखने के लिए? हाँ जी। तो जितने हैं यहाँ पर जितने हमारे उत्तराखंड, कैसे लगे बच्चों आपको? कैसे लगी? बहुत अच्छी। अच्छी की ऐसे सभी को रिकमेंड करोगे, सबको कहोगे कि इस फिल्म को देखने आना है कि नहीं? कितने लोगों को बोलोगे आप? सभी अपने फ्रेंड्स को है। चलिए ठीक है, ठीक है। आप यहाँ पर काफी लोग देख रहे हैं यहाँ पर। कैसे लगी मूवी? बहुत अच्छी मूवी, बहुत। आप बताइए कैसे लगी? बहुत बढ़िया। कौन सी मूवी देखी? बढ़िया रही। संस्कार। संस्कार। आपको कैसे लगी? हाँ जी, मूवी कैसे लगी आपको? बहुत अच्छी लगी। संस्कार मूवी देखते काफी अच्छा लगा। यहाँ पर काफी उत्तराखंड वासी हमारे पहुंचे थे और उन्होंने संस्कार मूवी देखी। ये एक आनंद में है माहौल बना रहा, जिस तरह से हमारे संस्कृति को जोड़ने का एक अलग एक माध्यम बना है, जो प्रेम भाई और हमारे राजेंद्र भाई ने एक अच्छा इतिहास रखा है। और जिस प्रकार से यहाँ पर लोग आए, छोटे बच्चों ने भी यहाँ पर देखा, आज लगा कि भैया उत्तराखंड वासी इस चीज़ को देखें, और एक आनंद में माहौल बना है। और यहाँ पर अच्छा जी, आप बताइए, आप एक्सपीरियंस बताइए कैसा रहा आपका? बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस रहा, मज़ा आ गया देख के। मतलब कुछ लगा कि हाँ हटके हुआ है उत्तराखंड में, तो बहुत मज़ा आया। तो क्या कहना चाहोगे लोगों को इसके बारे में? मतलब मैं यही बोलना चाहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आओ देखो मूवी को, और मतलब कि हमारा उत्तराखंड अब आगे बढ़ रहा है, आपको नई नई चीज़ें देखने को मिलेगी, तो आओ सपोर्ट करो और इन्जॉय करो।
तो काफी अच्छा किरदार था। इसमें कौन सा आपको डायलॉग सबसे ज्यादा पसंद लगा रहा? मेरे को तो लखपत और जो उनके पिताजी थे वो मुझे बहुत अच्छे लगे, दोनों की जोड़ी अच्छी सबसे बेस्ट लगी। और उसमें एक राम का जिसमें मतलब जिसने पुलिस इंस्पेक्टर का भी रोल किया और भाई का रोल भी किया। देखिए हम लोग रस्ते से जरूर भटक जाते हैं लेकिन फिर दोबारा हम राहत पे आ जाते हैं। हमारे संस्कार मूवी कैसे लगी आपको? बहुत अच्छी लगी, बहुत बढ़िया। चलिए थैंक यू सो मच आपका, बहुत धन्यवाद। ऐसे आते रहे, देखते रहे, सभी को जुड़ते रहे। बुढ़िया आपको कैसी लगी बेटा? अच्छी लगी। क्या अच्छी लगी? संस्कार देखी। तो सर आप भी बताइए कैसी रही मूवी आज का, जो जैसे आप भी लोग आए करते हैं। जी भाई, आज भी लगभग 80% ऑक्यूपेंसी हॉल की थी आज, जबकि तीसरे हफ्ते का चौथा दिन है तो बहुत बड़ी बात है 80% ऑक्यूपेंसी रहना। तो तहे दिल से धन्यवाद है सभी दर्शकों का जो इतना प्यार दे रहे हैं और आगे भी देते रहेंगे। और बहुत जल्द अब उत्तराखंड की तरफ भी मूवी जानी, 18 तारीख से ऋषिकेश रामा पैलेस 1 बजे से शो लगेगा। तो उत्तराखंड की जनता से भी आशा करते हैं कि इसी तरह से प्यार जैसे दिल्ली में प्रवासी लोग दे रहे हैं वैसे वहाँ के रहवासी लोग भी देंगे। थैंक यू सो मच आपका, बहुत धन्यवाद। मूवी देखिए संस्कार जो है, इसके लिए रिकमेंड है कि सभी लोग पहुंचकर आके देखें। और काफ़ी भारी संख्या में जैसे आज भी था, जैसे हाउसफुल आज भी था वैसे कह दो, लेकिन आगे भी ऐसे हाउसफुल रहना चाहिए। तो थैंक यू सो मच आप लोग सभी टीम का आपका। थैंक यू सुरेश भाई, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी पूरा सहयोग और प्यार देते हैं उत्तराखंड संस्कृति, इसके लिए आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। तो यहाँ पे पूछते हैं कैसे लगी आपको मूवी अभी? मेरा नाम गैणा है और दिन में दिखा दूंगा, रात की जगह दिन में दिखा दूंगा। अरे वाह, थैंक यू। तो अभी कैसे लग रही है आपको? आप कितने फ्रेंड्स को भी रिकमेंड करोगे इस मूवी को देखना चाहिए? सबको सबको, गढ़वाली लोगों को, कोई भी हो, सही नहीं कि गढ़वाली हो, नॉन उत्तराखंडी भी इसको देख सकते हैं। तो काफ़ी लोग यहाँ पर आए हुए, अभी मैंने छोटी सी गुड़िया देखी थी वो भी काफ़ी नॉन उत्तराखंडी थी लेकिन थोड़ा देखा सर काफ़ी थोड़ा। तो अभी आपको कैसा लग रही मूवी? ऐसे मतलब अच्छा लग रहा, पारिवारिक कोई लड़ाई झगड़ाई नहीं है, इमोशनल भी है, बहुत इमोशनल भी है ना। तो लोग क्या हो गए ज़्यादा संख्या में, कौन सी मूवी देखने आ जाए अभी? संस्कार। एक बार देखिए संस्कार। तो यहाँ पर देखिए देखा गया, तो आपने देखा होगा यहाँ पर जो संस्कार मूवी से काफ़ी लोग आए यहाँ पर देखने, जिस प्रकार से डेली टू डेली यहाँ मॉल जो है V3S में जो लगी है मूवी वहाँ पे हाउसफुल जा रही है, विकास में त्रिपुरी जा रही है और जयपुरिया मॉल में भी हाउसफुल जा रही है। तो दोस्तों यह आप सभी का प्यार प्रेम है और जिस तरह से यहाँ प्रेम भाई ने और राजेंद्र भाई ने पूरी टीम ने एक ऐतिहासिक कार्य किया यहाँ पर सभी लोगों को जोड़ने के लिए, एक संस्कार मूवी बनाई है भाई। मैं तो इसको अगर नंबर में बोलूँ तो मेरे पास शब्द नहीं है नंबर देने के लिए, इतने नंबर हैं कि बस बता नहीं सकता कितने नंबर हैं, लेकिन बहुत शानदार बहुत बेहतरीन। चलो एक बार जरूर देखें इस मूवी को, लेकिन अब आपके नज़दीकी हॉलों पर भी लगा दिए, जैसे आप रहते हैं ऋषिकेश रहते हैं तो ऋषिकेश में भी जाकर देखें। 1 बजे से मूवी लगने वाली है वहाँ पर 18 तारीख को, अपडेट रहें 18 तारीख को। बुक माई शो से अपनी टिकट बुक करें, अगर पेटीएम से भी करते पेटीएम से करें तो वहाँ जाकर जरूर वो मूवी देखें और अपने जितने भी आसपास के लोगों को क्षेत्रवासियों को जरूर बताएं ये मूवी संस्कार जरूर देखें। तो मैं यही चाहता हूँ कि अपना संस्कार हर लोगों के अंदर फैलाएं क्योंकि हम उत्तराखंडवासी हैं, संस्कार को ज़्यादा मानते हैं क्योंकि और मैं किसी के बारे में जानता नहीं लेकिन अपने बारे में ज़्यादा जानता हूँ। तो आप संस्कार को ज़्यादा फैलाएं और संस्कार को सबको देखें और काफ़ी भीड़ काफ़ी क्राउड को लाएंगे तो आपके लिए फायदा रहेगा और आपको संस्कार के बारे में समझ में आएगी। तो थैंक यू सो मच, ऐसी मूवी को देखते रहें और प्रेम भाई को, राजेंद्र भाई को, पूरी टीम को आप एक सपोर्ट दीजिए जिससे कि इनके पास एक मोटिवेशन मिले कि हमें कोई नई पिक्चर दिखाते रहें इसका। अगर आपका आपको चाहते हैं कि आपकी इसका पार्ट टू भी आए या किसी और नाम से आए तो जरूर अपडेट होगा और बहुत जल्द आपके बीच में आने वाली है एक नई मूवी। इसको पहले सुपर डुपर हिट हो जाएगी, ये गई समय सुपर हिट तो आई तो और भी चाहते हो कि सुपर डुपर हिट हो और भी आए। तो थैंक यू प्रेम भाई ने अभी तक तो गानों में बड़ा साथ किया है लेकिन अब ये इन मूवियों में भी अपना नाम कमाएं। तो थैंक यू सो मच सभी टीम को, थैंक यू। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य सरकार ने बढ़ाए प्लास्टिक मुक्त उत्तराखंड की दिशा में मजबूत कदम, डिजिटल डिपॉजिट रिफंड सिस्टम लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना उत्तराखंड। प्लास्टिक वेस्ट पर्यावरण के लिए बड़ी चुनौती बन रहा है लेकिन इसके कलेक्शन उचित। कैसी लगी मूवी आपको? बहुत बढ़िया। कल लगा आपने? कल लगी फिल्म जी? कल लगी मूवी बहुत बढ़िया। कैसी लगी फिल्म आपको? कैसी लगी फिल्म? बढ़िया। जी कैसी लगी मूवी? जी भाई कैसी लगी?
बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया संस्कार, संस्कार ही बाकी उत्तराखंड के पारिवारिक संस्कार बहुत बढ़िया दिखाए, भाई भाई का प्यार, माँ का आशीर्वाद है ना, और ड्राइव में चाहिए जीत, बहुत बहुत शुक्राना सबको निर्माता निर्देशक और बहुत अच्छा लगा आपको फिल्म, एक्चुअली किसका रोल अच्छा लगा? बहुत बढ़िया, थैंक यू थैंक यू। आप बताओ कैसे लगी फिल्म आपको? जी भाई जी, कैसे लगी मूवी? अच्छी लगी। अच्छा, आप बताइए कैसे लगी? आप बताइए, आप भेज कर ले मूवी। मैं वकील मिलकर बैठूंगा।